किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। किसान भाइयों, खेती में ट्रैक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसकी मदद से किसान भाई खेती बाड़ी के काम को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ कई अन्य तरह के कृषि उपकरण या कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से फसलों की अच्छी देखरेख की जा सकती है। फसलों की बुआई से लेकर के कटाई तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। आज की इस चर्चा में हम ट्रैक्टर में ईंधन की खपत को कैसे कम करें, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि किसान ट्रैक्टर है उसको गलत गियर में चलाने से बचे। अगर किसान ट्रैक्टर को गलत गियर में चलाते हैं तो ईंधन की खपत लगभग 20-30% तक बढ़ सकती है। ऐसे में सही गियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ट्रैक्टर के भार के मुताबिक ही गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है किसान भाइयों की डीजल के रिसाव पर ध्यान दें। किसान रोजाना अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने से पहले जरूर चेक करें कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां से डीजल का रिसाव हो रहा है। अगर हम देखें कि अगर बूंद प्रति सेकंड डीजल का रिसाव हो रहा है तो आपको सालाना 2-3 हजार लीटर तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे में खपत को कम करने के लिए ईंधन की टंकी, पाइप या जो पंप है और इंडक्टर है, इसको चेक करते रहें। तीसरा है किसान भाइयों की ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं है तो आप इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं। चौथा है किसान भाइयों की काम ना होने पर इंजन को ऑफ रखें। लंबे समय तक अगर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, जैसे 1 घंटे के लिए कोई काम नहीं है या ट्रैक्टर केवल खड़ा हुआ है, तो उसे बंद कर दें। ऐसा ना करने पर प्रति घंटा 1 लीटर से ज्यादा डीजल की खपत होगी। तो किसान भाइयों, इसी के साथ ही अगर आप चाहें तो ट्रैक्टर के साथ मिलने वाले मैनुअल की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें यह सारी जानकारी दी हुई होती है। आप उसके मुताबिक ही ट्रैक्टर को सही तरह से इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत तरीके से ट्रैक्टर इस्तेमाल करने पर ट्रैक्टर के ईंधन की खपत 25% तक ज्यादा हो सकती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे एग्रोस्टार के साथ।